बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डीप सी एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने सी ओशन के बारे में तो पढ़ा था, उसके अलावा रिवर लेक्स के बारे में भी पढ़ा था। उसमें हमने मेरीन और फ्रेश वाटर एनिमल्स को डिस्कस किया था, लेकिन आज हम डीप सी एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो बिल्कुल कहते हैं कि सी की डेप्थ में रह रहे हों, ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डीप सी एनिमल्स में क्या इसके जोन्स कौन से हैं, उसके अलावा थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द डीप सी फ्लोर रिप्रेजेंट्स द लार्जेस्ट हैबिटेट ऑन अर्थ। अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि ज़्यादातर जो हिस्सा है वो, जब हमने लास्ट लेक्चर जो लिया था उसमें हमने परसेंटेज के बारे में पढ़ा था कि कितनी परसेंटेज जो है वो फ्रेश वाटर की है, कितनी परसेंटेज जो है वो मेरीन की है। तो मेरीन में जो है ये सी ओशंस वगैरह आते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसी मेरीन में डेप्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा अगर अर्थ पे देखें तो जो लार्जेस्ट हैबिटेट है वो सी की है, ठीक है, मेरीन है। इट रेंजेस फ्रॉम द एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एट 200 मीटर टू द बॉटम ऑफ द ओशन। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं कि जो है कहाँ से ये इसकी रेंज स्टार्ट हो रही है। तो फ्रॉम द एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एट 200 मीटर टू द बॉटम ऑफ द ओशन। एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, सो इसकी जो बॉटम ऑफ द ओशन में 200 मीटर से उसकी बॉटम में, ओशन के बॉटम में जो हिस्सा होता है उस वहाँ से जो इसका हिस्सा है कॉन्टिनेंटल शेल्फ से लेके बॉटम तक, वो वाला हिस्सा हम कह रहे हैं डीप सी एनिमल्स है, ठीक है। आई होप अब आपको इसकी समझ आ गई होगी क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया इस बात को। तो आप इसको सिंपल वर्ड्स में ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से लेके उसकी जो बॉटम ऑफ द ओशन है वहाँ पे जो रेंज है वो उसकी डीप सी एनिमल्स कहलाएंगे। वहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं वो डीप सी एनिमल्स होंगे, एंड दैट्स एरिया इज़ द डीप सी। एट द एज ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज़ अ शेल्फ ब्रेक, ठीक है। अब जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ठीक है, उसका जो एज है, उसका ये आप कह लें किनारा जो है वो कहलाता है शेल्फ ब्रेक। उसको हम कहते हैं शेल्फ ब्रेक, वेयर द ग्रेडियंट ऑफ द फ्लोर इंक्रीज डाउन द कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब कॉन्टिनेंटल स्लोप हम कहते हैं एक बिल्कुल जैसे कर्व होता है ना, एक कर्व एरिया जिस तरह होता है, बिल्कुल एक कर्व्ड शेप होती है, उसको हम अब कह रहे हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। और वहाँ पे आगे हम बेसिन के बारे में भी पढ़ेंगे। बिलो द कॉन्टिनेंटल स्लोप लाइज द कॉन्टिनेंटल राइज विच हैज़ अ मोर जेंटली स्लोप एट अराउंड 4000 मीटर डेप्थ। ओशन फ्लोर इज रीच्ड एंड एक्सटेंड ओवर द ओशन बेसिन एट डिपेंड्स अपॉन 5000 मीटर्स ऑन एवरेज, ठीक है। वो जो कर्व्ड एरिया है वहाँ पे ही जो है हम उसको कह रहे हैं कि उससे आगे जो 5000 मीटर तकरीबन आप कह लें वहाँ पे उस ओशन जो है वो जो कर्व्ड एरिया एक्सटेंड हुआ है वहाँ पर, उसको हम बेसिन भी बोलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द एबिसल प्लेन। अब एबिसल प्लेन जो है ये क्या चीज़ है? एन एबिसल प्लेन इज़ एन अंडर वाटर प्लेन ऑन द डीप ओशन फ्लोर यूजली फाउंड एट द डेप्थ बिटवीन 3000 टू 6000 मीटर। अब ये जो आगे डिफरेंट नाम आएंगे ना, ये एक डीप ओशन में डिफरेंट एरियाज़ हैं उनको नाम दिए गए हैं, ठीक है। अब ये जो एबिसल प्लेन है ये बिल्कुल जो है हम कह रहे हैं ज़मीन पानी के अंदर जो अंडर वाटर प्लेन है डीप ओशन फ्लोर में, एक ओशन का जो फ्लोर है उसमें जो एरिया है अंडर वाटर प्लेन उसको हम एबिसल प्लेन बोल रहे हैं। और ये तकरीबन इसकी डेप्थ होती है 3000 से ले कर 6000 मीटर के दरमियान, ठीक है। उसके बाद आगे जो है बेथल जोन के बारे में बताया हुआ है। पहले हमने बात कर ली बेसल प्लेन के बारे में, उसके आगे है बेथल जोन। द जोन बिटवीन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड द बेसल प्लेन इज़ द बेथल जोन। अब जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ और जो बेसल प्लेन के दरमियान वाला हिस्सा है ना, उसे हम बेथल जोन बोल रहे हैं। द ओशन फ्लोर इज़ इंटरप्टेड बाय माउंटेन चेन नोन एज द मिड ओशनिक रिज सिस्टम। अब मिड ओशनिक रिज सिस्टम हम किसको कह रहे हैं? क्योंकि अब एक जब हम किसी ओशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम डिफरेंट माउंटेन्स की बात भी करते हैं कि माउंटेन्स पहाड़ जो हैं वो भी अक्सर होते हैं। तो वहाँ पे जो माउंटेन चेन है इसको जो ओशन फ्लोर को इंटरप्ट किया हुआ है माउंटेन चेन ने, उसको हम कह रहे हैं कि वो कहला रही है मिड ओशनिक रिजन सिस्टम कहलाता है। उसके अलावा कुछ और जो फीचर्स हैं ओशन फ्लोर में उसको हम कहते हैं कि वो कहलाते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो फेमिलियर नहीं है कि ओशन जो है वो कितना गहरा है। कुछ कहते हैं कि जी समुंदर में तो गहराई का को पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो अभी तक उसकी गहराई के बारे में जो है
कोई ख़ास नहीं पता, ठीक है, कोई फैक्ट हम नहीं कह सकते कि हाँ इसकी इतनी है, इतने मीटर है समुंदर के अंदर जो है, यहाँ पे इतनी इसकी गहराई है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है पीपल जो है इसे फेमिलियर नहीं भी होते, मोस्टली जो हैं वो फेमिलियर नहीं हैं, ठीक है। उसके अलावा वेयर द वाटर मीट्स लैंड एंड द एपिपेलजिक जोन एंड अपर सनलट जोन ऑफ द ओपन ओशन, थ्रू दीज जोन्स कंटेन एन एबंडेंस ऑफ ओशन लाइट बिकॉज सनलाइट इज अवेलेबल फॉर फोटोसिंथेसिस दैट दे मेक अप अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द ओशन बायोम। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सनलाइट, अब सनलाइट क्योंकि ज़रूरी होती है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन अब जब ओशन में बहुत ज़्यादा उसकी डेप्थ में जाएंगे तो वहाँ पर सनलाइट अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। इनफैक्ट उसके अलावा जब हम देखते हैं ना समुद्र की गहराई में, तो वहाँ पर मोस्टली बायोमास आर नॉट प्रेजेंट देयर। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द ओशन इज कोल्ड डार्क एंड डीप। अब जो ओशन की जब हम बात करते हैं वो कोल्ड है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वो पानी ठंडा होता है, डार्क होता है, डीप होता है। ये हम डीप की बात करें, उसकी डेप्थ की बात करें, यानी कि वहाँ पर अंधेरा होगा, डेप्थ की बात अगर करें तो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज डैट फोटोसिंथेसिस अकर ओनली डाउन टू अबाउट 100 to 200 meters। अब ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कितने तक होती है, कहाँ तक सनलाइट जो है वो जाती है, तो तकरीबन 100 to 200 meters तक जाएगी, लेकिन 1000 या उससे कम अगर हम बात करें तो वहाँ पर सनलाइट जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। वाइल द ओशन डिसेंड्स टू अ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अबाउट 11,000 meters इन द मरियाना ट्रेंच, ठीक है। यहाँ पे आगे ओशन की डेप्थ के मैक्सिमम बताया हुआ है कि जो मरियाना ट्रेंच है उसकी मैक्सिमम डेप्थ कितनी है, तकरीबन 11,000। अब यहाँ पर जो है इस पिक्टोरियल व्यू में आपको जोन्स के बारे में पता चल रहा है, तो यहाँ पर हम इसके जोन्स को देख लेते हैं, ठीक है। मरियाना ट्रेंच में जैसे हमने कहा कि 11,000 डेप्थ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, हमने क्योंकि जोन्स की बात की है ना, ये देखें यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक बेंथिक जोन जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, अब ये एक आप समझ लें ये एक समुंदर है, ये क्या है, ये समुंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट जोन्स जो हैं वो बताए गए हैं कि इतनी 1000 meters होगा तो ये जोन है, अगर इतना होगा तो ये जोन। अब सबसे पहले देखें ये क्या है, ये यहाँ पर बताया हुआ है जोन बताया हुआ है। अब यहाँ पर ये सबसे पहले हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में पढ़ा, अब ये देखें ये थोड़ा सा सतह से नीचे, ये क्या है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, जैसे शैलो हम कहते हैं बिल्कुल सतह पे। अब यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहला रहा है, उसके बाद ये जो एरिया है ये हम कह रहे हैं सारा ये क्या कहला रहा है, ये बेंथिक जोन हम इसको कह रहे हैं। अब उसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद आगे हमने बात की है बेथल जोन की, ये क्या है, उसके बाद बेथल जोन है, उसके बाद हमने बात की है बेसल जोन, ठीक है, इसमें पेलेजिक जोन भी आता है 200 meters 1000 meters, ठीक है। उसके बाद ये आगे फर्दर जो है उसमें इन जोन्स के अंदर भी जिस तरह सब जोन्स हम कह लें, ये फोटिक जोन है, एफोटिक जोन है, उसके अलावा बैथीपेलेजिक जोन है, बायसीपेलेजिक जोन है, उसके बाद लास्ट पे देखें हेडल जोन, डैट इज़ द डीप सी ट्रेंचेस। हेडल जोन हम कहते हैं क्या है, हेडल जोन डीप सी है, और इसकी अगर हम डेप्थ की बात करें तो डैट इज़ द 4000 meters, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी बताया हुआ है ये लिटोरल है, सब लिटोरल जोन होते हैं, बेंथिक जोन, बेथेल जोन, ये यही चीज़ जो हमने पहले देखी है डायग्राम में, उसमें भी यही चीज़ें हैं जो यहाँ पर बताई हुई हैं, और एंड पे हेडल जोन है। इस तरह से एक सी जो है उसको डिवीजन किया गया है, उसकी सब डिवीजन बताई हुई है, ये डिफरेंट जोन्स हैं, ये आप MCQs में पूछे जा सकते हैं और इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द वाटर ऑफ द डीप सी वेरीज फ्रॉम, अब इसके अगर टेम्परेचर की बात करें तो इसका टेम्परेचर वेरी करता है, ठीक है, हर जगह एक जैसा टेम्परेचर नहीं होगा, वेरी करेगा। अब वेरी करता है 4 degrees centigrade to 1 degree centigrade। एक्सेप्शंस आर दी मेडिट्रेनियन सी, अब यहाँ पे ये सी का नाम है मेडिट्रेनियन सी, ये बताया हुआ है कि मेडिट्रेनियन सी विद एन एवरेज टेम्परेचर, मेडिट्रेनियन सी का जो टेम्परेचर एवरेज है वो 13 degrees centigrade है अपर 4000 meters, जो उसके 4000 meters तक उसका 13 degrees centigrade है। उसके अलावा जो रेड सी है वेयर द बॉटम कैन रीच टेम्परेचर अप टू 21.5 एट डेप्थ ऑफ 2000 ocean। अब यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर्स के बारे में बताया हुआ है, डिफरेंट सीज में कितना टेम्परेचर होगा, उसकी कितनी डेप्थ पे उसका इतना टेम्परेचर है, तो ये बताया हुआ है।
ठीक है, तो ये मैंने आपको पिक्चर जो यहाँ पर बनी हुई मैंने आपको दिखा दी है। उसके अलावा जो है बताया हुआ है कि थर्मोसालिनिटी ऑफ द सी वाटर इज़ रिलेटिवली कांस्टेंट बिलो 2000 मीटर्स, द सेलिनिटी इज़ क्लोज टू 35% एंड एट द वेरी डीपेस्ट लेयर इट इज़ 34.65। अब ये सेलिनिटी के बारे में बताया हुआ है, साल्ट की कंसनट्रेशन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन कंसनट्रेशन नियर सैचुरेशन एक्सेप्ट इन द ऑक्सीजन मिनिमम लेयर बिटवीन 0.5 एंड 0.6 किलोमीटर डेप्थ, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कहीं ज़्यादा है तो कहीं ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन की जो मिनिमम लेयर है वो तकरीबन 0.5 से 0.6 किलोमीटर है। अब सी भी बहुत हैं, रेड सी है, ब्लैक सी है, मेडिट्रेनियन सी है, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज़ में अगर हम बात करें, जैसे कंट्रीज़ में अगर जैसे हर कंट्री में नहीं है सी, तो कुछ में नहीं भी है, तो हर जगह जो है एक अलग सी, जैसे पाकिस्तान में ओल्ड सी होगा, उसके बाद अगर हम अमेरिका की बात करें, ठीक है, अंटार्कटिका की, वहाँ पर हम जो है वो सी और है, ठीक है, डिफरेंट सीज हैं। तो अब यहाँ पर हम वैसे ही ओवरऑल जो है वो डीप सी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि वेन द डीप वाटर इज़ फर्दर फ्राम इट्स ओरिजन द ऑक्सीजन कंसनट्रेशन डिक्लाइन बाई मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन जो है वो डिपेंड करती है, उसकी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उसका टेम्परेचर वेरिएबल नहीं है, सॉरी वेरी करता है, एक जगह एक जैसा टेम्परेचर नहीं है, इसी तरह उसकी ऑक्सीजन कहीं ज़्यादा है तो कहीं उसकी ऑक्सीजन कम होगी, तो ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द प्रेशर इंक्रीज बाय वन एटमोसफेयर इन द डेप्थ ओशन दिस इज ऑलमोस्ट एब्सेंट, ठीक है। अगर हम डीप ओशन की बात करें तो लाइट ऑलमोस्ट वहाँ पर एब्सेंट होती है, लाइट वहाँ पर मौजूद नहीं होती बिल्कुल। हम अगर समुंदर की तह में जाएं तो वहाँ पर लाइट मौजूद नहीं होती, हमने देख पढ़ लिया है कि लाइट उसकी किधर कहाँ तक लाइट अवेलेबल होती है और कहाँ पर लाइट अवेलेबल नहीं होती, लास्ट स्लाइड में हमने जो है ये पढ़ लिया है। अब हम कुछ अडेप्टेशंस हैं उनको पढ़ लेते हैं। जो डीप लेयर ऑफ दी वाटर कॉलम्स व्हेन देयर इज़ नो प्लांट ग्रोथ एट ऑल, अब हम जब डीप लेयर की बात करते हैं तो वहाँ पे प्लांट ग्रोथ जो है वो हम कहते नहीं है, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अब जो वहाँ पे एनिमल्स हैं, वहाँ पे जो मिड वाटर एनिमल्स हैं उनको खुराक ढूंढने में बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो जो मैनी मिड वाटर एनिमल्स है उनकी बॉडी शेप जो है वो बिज़ेर बॉडी शेप है। बिज़ेर बॉडी शेप क्या होती है, एक अजीबो गरीब, बिज़ेर के हम कहते हैं अजीबो गरीब किस्म की शक्ल, ठीक है, बिकॉज दे नेवर कम टू कॉन्टैक्ट विद द फिज़िकल बैरियर, इसलिए अजीब होती है क्योंकि वहाँ पर एक तो कोई और जैसे ह्यूमन बींग्स नहीं है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर प्लांट इतने नहीं है, उनको फूड का मसला होता है, उसके अलावा उनका फिज़िकली कॉन्टैक्ट नहीं होता किसी के साथ, ठीक है, इसलिए इनकी जो बॉडी है वो लेस स्फेरिकल होती है, उसके अलावा विद लॉन्ग एंड डेलिकेट एक्सटेंशंस होती हैं, बिल्कुल वो एक्सटेंड हुई हुई होती है, उसके अलावा जो है डेलिकेट होती है, और उनका जो है स्ट्रक्चर हम कहते हैं देयर इज़ नो नीड अ रिजिड स्ट्रक्चर बिकॉज दे स्पेंड ऑल द टाइम इन वाटर, उनको किसी हार्ड स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती, रिजिड स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती वो, इसलिए क्योंकि वो अपना ज़्यादातर टाइम क्योंकि वो पानी में गुजारते हैं, वो क्योंकि डेप्थ में होते हैं तो वो वहीं पर ही अपना ज़्यादातर पानी में ही जो है अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इन द अपर वाटर ऑफ द मीज़ोप्लाजिक जोन वेयर देर इज स्टिल क्वाइट सम सन लाइट मैनी एनिमल्स हैव मोर और लेस ट्रांसपेरेंट बॉडीज़। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो अपर पार्ट है जैसे कि मीज़ोपेलेजिक जोन हम कह रहे हैं, वहाँ पर समटाइम लाइट जो है वो जाती है, उसके अलावा जहाँ पर लाइट नहीं जाती, जहाँ पर लाइट कम जाती है वहाँ पर जो एनिमल है उनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, क्योंकि बॉडी खुद जो है वो लाइट प्रोड्यूस कर रही होती है, मिरर शेप होती है उनकी बॉडी, बिल्कुल एक ऐसा लगता है जैसे मिरर है, एक लाइट, और उनकी बॉडी में कुछ लाइट ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जो उसको एक जो है अंधेरे में भी लाइट जो है वो मुहैया कर रहे होते हैं, और इसको हम कहते हैं कि ये बायोलुमिनेसेंस है, ठीक है। बायोलुमिनेसेंस जो है ये एक इनमें एक जो है यूनिक फंक्शन है, एक अडेप्टेशन है इनमें, ठीक है, कि द ब्लू कलर ऑफ द मोस्ट बायोलुमिनेसेंस डज नॉट रिफ्लेक्ट, ठीक है, दीज कलर्स डो नॉट रिफ्लेक्ट द ब्लू कलर ऑफ मोस्ट बायोलुमिनेसेंस, तो ये जो कलर्स हैं जैसे हमने बॉडी की बात कर ली तो इनमें ये जो कलर्स हैं ये उसको नहीं करते, जैसे डार्क रेड, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, डार्क, अब कौन से कलर इसको रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे ब्लू कलर को, डार्क रेड कलर, ब्लैक कलर और ब्राउन कलर, ये इसको रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। डीपेस्ट लेयर की अगर हम बात करें, डीपेस्ट लेयर में ऑर्गेनिजम्स के कलर कौन से होते हैं, डार्क रेड होते हैं, ब्लैक होते हैं, ब्राउन होते हैं, और ये कलर जो हैं वो ब्लू कलर को अफेक्ट नहीं करते, जबकि मिड वाटर एनिमल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं प्रेज को,
ठीक है. मैनी फिशेज आल्सो हैव लार्ज माउथ टू टेक अप एज मच एज पॉसिबल. कुछ फिशेज ऐसी हैं जिनके बहुत ज़्यादा लार्ज माउथ होते हैं, जैसे कि आप शार्क की बात कर लें, एग्जाम्पल में देख लें उसको, शार्क, वेल, ठीक है. उसके अलावा अगर हम बात करें डायल वर्टिकल माइग्रेशन होती है कुछ एनिमल्स में, ये भी एक अडेप्टेशन है. ये आपसे अडेप्टेशन के बारे में अगर पूछा जाए तो ये सब इनकी अडेप्टेशन है कि उनमें ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, उसके अलावा उनकी बिज़ार बॉडी शेप होती है, उनकी बायोल्यूमिनेसेंस होती है. उसके बाद जो है हमने इसमें एक जर्जेंटिज्म जो है ये भी इनमें एक अडेप्टेशन है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि इनकी बॉडी के साइज़ जो है वो इनॉर्मस होता है. अगर हम डीप सी में, जैसे अगर कोई टर्टल मौजूद है तो उसकी बॉडी की शेप इतनी ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू देयर रिलेटिव दैट आर प्रेजेंट ऑन द लैंड, ठीक है. कि अगर लैंड पे अगर हम टर्टल देखें तो उसकी बॉडी की शेप में फ़र्क होगा, जो कि अगर हम सी में देखें तो उसकी बॉडी की शेप और तरह की होगी, जबकि लैंड में जो टर्टल मौजूद होगा उसकी बॉडी की शेप एक अलग तरह की होगी. तो इसको हम जर्जेंटिज्म बोलते हैं, ठीक है. तो ये सारी इनमें अडेप्टेशंस हैं. द ब्लू लाइट इज़ रिकॉग्निशन मार्क फॉर अदर मेम्बर्स ऑफ द सेम स्पीशी. तो ये जो ब्लू लाइट है ये एक रिकॉग्निशन मार्क है, ठीक है. अगर एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल में आती है मालाकोस्टियस, ठीक है. उसके अलावा एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जो ब्लू कलर और ब्लू ग्रीन कलर है ना, ये वाटर में ज़्यादातर जो है वो अट्रैक्ट होता है, अफेक्ट करता है, ठीक है. उसके अलावा एक और इनमें अडेप्टेशन है कैमोफ्लेज की, ठीक है. ये खुद को छुपा लेते हैं जिस तरह का कलर होगा, जिस तरह की कोई आप कह लें माउंटेन है या कोई वहाँ पर रॉक है अगर पानी में डीप सी में, तो बिल्कुल वैसे खुद को कैमोफ्लेज कर लेंगे, प्रीडेटर से बचा लेते हैं. चलें उसके अलावा ओशन की अगर हम बात करें, द डिवाइड इनटू टू ब्रॉड रियल्म्स. अब ओशन को दो जो ब्रॉड हैं, हमने बात कर ली बेंथिक और पिलेजिक. मैंने जो पिक्टोरियल भी आपको दिखाया था उसमें मैंने बेंथिक जोन को देखा. तो जो ओशन है उसको दो बड़े हिस्सों में हम कहते हैं, तकसीम किया होता है, एक होता है पिलेजिक और एक होता है बेंथिक. अब पिलेजिक हम किसको कहते हैं और बेंथिक किसको कहते हैं. पिलेजिक रेफर्स टू द ओपन वाटर इन विच स्विमिंग एंड फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स लिव. अब जो ओपन वाटर होता है जिसमें स्विम कर रहे होते हैं ऑर्गेनिज्म, फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं वो पिलाजिक है. और जो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर रह रहे होते हैं उनको हम पिलागोस बोलते हैं. अब बेंथिक जोन किसको कहा जाता है, कि डिफाइंड एज सेडिमेंट्स एंड अदर सरफेस ऑफ अ बॉडी ऑफ वाटर सच एज ओशन और लेक और ऑर्गेनिजम्स. अब सेडिमेंट्स और जो बाकी उसके पानी के हिस्से हैं, बाकी जो पानी की बॉडी है, ठीक है, ओपन वाटर के अलावा जो बाकी बॉडी है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं ओशन और लेक्स में, उनको हम कहते हैं कि वो बेंथिक जोन कहलाते हैं. और जो ऑर्गेनिजम्स उन जोन्स में रह रहे होते हैं उनको हम बेंथोस कहते हैं. द मिड वाटर कम्युनिटीज इंक्लूड एवरी मेजर एनिमल्स ऑन अर्थ फ्रॉम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स टू इनवर्टिब्रेट एंड फिश ऑफ सेवरल मीटर्स. अब हम जब मिड वाटर कम्युनिटीज़ की बात करते हैं तो मिड वाटर कम्युनिटीज़ में बहुत ज़्यादा आप कह लें कि मेजर एनिमल्स पाए जाते हैं, उसके अलावा उसमें सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें इनवर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं, उसके अलावा उसमें फ़िशेज होती हैं जो सेवरल मीटर लॉन्ग होती हैं, टाइनी फिशेज भी होती हैं, बहुत बड़ी फ़िशेज भी होती हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितनी बड़ी जो है वो फ़िशेज होंगी, ठीक है. उसके अलावा जो है हम कहते हैं कि जो इसमें डोमिनेंट स्पीशीज़ होती हैं, अगर हम मिड वाटर कम्युनिटीज़ की बात करें तो इसमें जो डोमिनेंट स्पीशीज़ होती हैं हम वो देखते हैं कि उसमें क्रस्टेशियंस आती हैं, उसके अलावा सॉफ्ट जेली लाइक बॉडीज़ होती हैं, उसके अलावा जो डीप सी फ्लोर होती हैं, जो डीप सी फ्लोर हैं उसमें हम देखते हैं डिप्रेशंस होते हैं, जैसे कि डिप्रेशंस होते हैं. और उसमें अगर एनिमल्स की बात करें तो बेंथिक एनिमल्स उसमें कौन से होते हैं, वो वर्म्स होते हैं, मोलस्क्स होते हैं, क्रस्टेशियंस होते हैं, स्टार फिश, ब्रिटल स्टार, श्रिम्स, फिश सी कम्बर्स एंड सी अर्चन्स. ये सब जो है ये बेंथिक एनिमल्स और ये डीप सी फ्लोर पे पाए जाते हैं, ठीक है, सेडिमेंट्स हम कहते हैं पाए जाते हैं. अब जो डीप सी फ्लोर है वहाँ पर फूड रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर क्योंकि कोई और बायोमास नहीं है, प्रोडक्शन ऑफ फूड जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम होते हैं. तो वहाँ पे कुछ एनिमल जो है वो एक स्ट्रेटजी जो है वो अपनाते हैं. अब वो स्ट्रेटजी जो है वो कौन सी है, उसका नाम क्या है, तो उस स्ट्रेटजी को बोलते हैं सिट एंड वेट स्ट्रेटजी. अब सिट और वेट नाम से हमें पता चल रहा है कि एनिमल स्टे एट वन प्लेस एंड वेट अनटिल फूड फॉल्स डाउन ऑन देम और कैरीज टू देम इन देयर करंट. क्या करते हैं कि एनिमल वहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं अपनी खुराक का, फिर वेट करते हैं, फिर उसके बाद जैसे ही अगर उनको कोई अपना प्रे नज़र आता है, कोई शिकार उनको नज़र आता है अपना, तो फ़ौरन से उस पर जाकर सडन अटैक कर देते हैं. तो ये सिट और वेट स्ट्रेटजी कहलाती है. अब यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो कौन से इसमें आते हैं, स्पॉन्जेस आते हैं, सी एनिमोन्स आते हैं, ट्यूब वर्म्स और बार्निकल्स आते हैं.
अब यहाँ पे जो फाइव ग्रुप्स हैं जो डोमिनेंट हैं, अगर हम डीप सी एनिमल्स की बात करें तो फाइव ग्रुप्स हैं जो डोमिनेंट होते हैं, उसमें आते हैं फोरामिनिफॉरन्स, उसके अलावा रेडियोलेरिया आते हैं, नीमाटोड्स आते हैं, क्रस्टेशियन आते हैं, एम्फीपोड आते हैं। अब एम्फीपोड किसने आते हैं, ये क्रस्टेशियन, कौन से हमारा मेजर ग्रुप है, कौन सा हमारा फाइलम है जिसमें ये आएंगे, कौन सा क्रस्टेशियन में एम्फीपोड आते हैं, श्रिम्प्स आते हैं, आइसोपोड आते हैं, कोपोड्स और बाइवॉल्व्स आते हैं, ये सब जो है ये क्रस्टेशियन में आते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें पॉलीकेट वर्म्स वगैरह ये अलग हैं, ये क्रस्टेशियन में नहीं आते, ठीक है। तो फाइव ग्रुप हैं, हमने फाइव जो है वो पढ़ लिए हैं कि कौन से हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे कुछ एनिमल्स को डिस्कस कर लेते हैं डीप सी फ्लोर में, कि कौन से, हमने बात की कि लार्ज नंबर्स मौजूद हैं तो कौन से हैं। अब यहाँ पे रेफ्टिया, कोल्ड सीप, सी माउंट्स और कर्कसेस को हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम रेफ्टिया को डिस्कस करते हैं। ये जो सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ है ना, ये रेफ्टिया है, ये ज़रा समझ नहीं आ रहा तो आप लोग इसकी स्पेलिंग नोट कर ले, इसकी स्पेलिंग ये है, ठीक है, रेफ्टिया। अब रेफ्टिया जो है ये क्या है, विद एसोसिएटेड हाइड्रोथर्मल कम्युनिटीज़ के साथ एसोसिएट हुआ हुआ है। अब हाइड्रोथर्मल का जो वर्ड है, हाइड्रोथर्मल कम्युनिटीज़ या हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो हैं, ये हम कहते हैं कि एक अलग से हम टॉपिक भी पढ़ेंगे, हाइड्रोथर्मल वेंट जो है ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन जो हाइड्रोथर्मल वेंट है, इसमें हम कहते हैं कि पानी के अंदर जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को यूज़ किया जाता है, ड्रास्टिक जो चेंजेस होती हैं उससे निपटने के लिए, वो सारी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वगैरह में आती हैं, ठीक है। पानी से जो है हम कहते हैं कि पानी में वो किस तरह रह सकते हैं, जो अडेप्टेशंस होती हैं वो सब इसमें आती हैं। उसके अलावा बायोलुमिनेसेंस का भी हमने पढ़ लिया, ये सब हमने अडेप्टेशन में पढ़ लिया है। बायोलुमिनेसेंस भी हमने पढ़ लिया कि प्रोडक्शन ऑफ लाइट बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलुमिनेसेंस। चले हम दोबारा से पीछे चले कि यहाँ पे वापस आते हैं। तो रेफ्टिया में हम कहते हैं कि हाइड्रोथर्मल कम्युनिटीज़ में क्या होता है कि मे बी हंड्रेड ऑफ टाइम्स या मोर अबंडेंट ऑन एडजेसेंट सी फ्लोर। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो एनिमल्स मौजूद होते हैं उनके अपने फूड रिसोर्सेज होते हैं। अब यहाँ पे जो फूड रिसोर्सेज होते हैं ये टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, ये वहाँ से अपनी खुराक लेते हैं, वो हम कहते हैं कि वो इनपुट दे रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑर्गेनिजम्स डैट कैन बी राउंड इन एसोसिएशन विद दीज वेंट्स आर। अब जो ऑर्गेनिज्म इन वेंट्स के साथ एसोसिएट करते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं, उसमें बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया हैं, मसल्स हैं, कुकल्स हैं, ऑस्टर्स हैं, सी एनिमॉन्स, श्रिम्प्स हैं, क्रैब्स वगैरह हैं, फिश है और ट्यूबवर्म्स वगैरह आते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, किसकी एग्जाम्पल की बात करें, ट्यूबवर्म की एग्जाम्पल की बात करें, तो उसकी एग्जाम्पल में है रिफ्टिया पैकेपटीला, ठीक है। अब ये एक रेड प्लियोम गिल स्टिकिंग है, जो कि हम कहते हैं कि एक वाइट वार्म वाइट ट्यूब है, ठीक है, वहाँ पर जो है एक वार्म है वाइट ट्यूब, ठीक है, उसकी टॉप पे ये मौजूद है। देर आल्सो फाउंड अराउंड कोल्ड हाइड्रोकार्बन सीप्स, ठीक है, वहाँ पर ये पाई जाती है। उसके अलावा इनके पास हम कहते हैं इट हैज़ नो माउथ और गट एंड इट हैज़ अ स्पेशल कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया इन द टिश्यूज ऑफ इट्स बॉडी। अब इनमें एक जो इनका यूनिक प्रॉपर्टी वो क्या है कि इनमें माउथ और गट मौजूद नहीं होते, इनमें कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं इनकी बॉडी के टिश्यूज़ में, और उनको कहा जाता है ट्रोफोसोम। ये भी आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ ट्रोफोसोम, या रेफ्टिया में कौन से बैक्टीरिया मौजूद है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, ये सारे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज, इन सब के बारे में आपको पता होगा, पहले आप क्लासेस में पढ़ चुके हैं। द केमिकल्स डैट द बैक्टीरिया नीड आर डिलीवर्ड बाय द ब्लड ऑफ द फॉर्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोल्ड सीप्स की। कोल्ड सीप्स में क्या होता है कि इनका मेटाजोन बायोडाइवर्सिटी लोअर होती है, लेकिन इनकी प्रोडक्टिविटी, इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई होती है। वो इसलिए क्योंकि इनमें हाई बायोमास होता है, ठीक है, इनमें क्या है कि हाई बायोमास ऑफ मेगाबेंथिक ऑर्गेनिजम्स एंड दे हैव डोमिनेटेड बाय द बाइवॉल्व्स दैट हैव सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब इनमें जो रिलेशनशिप है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, किसका, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के साथ इनका बहुत रिलेशनशिप है। और यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसमें ट्यूबवॉर्म्स आते हैं, बाइवॉल्व्स आते हैं, क्रैब्स आते हैं, सी एनिमोन्स आते हैं, उसके अलावा सॉफ्ट क्रैब्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज दी, अब यहाँ पे एग्जांपल जो है वो क्या है, यहाँ पे एग्जांपल है वेसिकोमाइट क्लैम, ठीक है। इनका रिलेशनशिप किसके साथ है, इसका सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया के साथ इसका रिलेशनशिप है। अब हम बात कर लेते हैं सी एनिमोट्स की, सॉरी सी माउंट्स की।
इनकी में क्या होता है कि इसमें प्लांकटन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसमें फिशेज जो हैं वो पाई जाती हैं हाई कंसंट्रेशन में प्लांकटन्स पाए जाते हैं। उसके अलावा इसमें मेरीन एनिमल्स की बात करें, अब मेरीन मैमल्स इसमें शार्क्स हैं, टूना हैं, सिफेलोपोड्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, फ्री अमाउंट में यहाँ पर पाए जाते हैं। इवन सी बर्ड्स हैव बीन शोन टू बी मोर अबंडेंट इन दी जोन, इवन के सी बर्ड्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। आगे करकेसेस हम कहते हैं क्या होता है कि करकेसेस एक हॉट स्पॉट फॉर फूड है, ठीक है। करकेसेस व्हेन करकेस रीच द बॉटम, जब ये बॉटम पर पहुँचते हैं तो ये एम्फीपोड जो है उसको विद इन मिनट्स में, एक सेकेंड में हम कहते हैं एक मिनट में उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं, और इनके पावरफुल जाज होते हैं और इन जाज की मदद से फ़ौरन से गोश्त वगैरह को भी फ्लैश होता है उसको निकाल लेते हैं। उसके अलावा ये क्या होता है कि दे कैन डिटेक्ट द ऑडोर ऑफ अ कार्कस कैरिड ऑन द वाटर करंट्स, ठीक है। इनमें ऑडोर होती है, कुछ स्मेल्स होती है जिनकी वजह से इनका पता चलता है या ये अट्रैक्ट करते हैं। उसके अलावा आफ्टर दैम सेवरल फिशेज अराइव एंड फीड ऑन द कार्कस, ठीक है। उसके अलावा श्रिम्स आल्सो इन्वॉल्व इन इट। वन दीज एनिमल्स हैव ईटन इनफ और वैन देर इज़ नथिंग सूटेबल लेफ्ट फॉर देम, अब ये बहुत ज़्यादा जब खा लेते हैं कुछ चीज़ ऐसी होती है जो उनको सूट नहीं कर रही होती है तो ये उनको छोड़ देते हैं। उसके अलावा जो है ये स्लो मूविंग एनिमल्स को भी अट्रैक्ट करते हैं सच एज, ठीक है। हम उसके अलावा जो है जैसे कि सच एज मोलस्क्स हैं अट्रैक्ट करती हैं, सच एज मोलस्क्स आती हैं, स्टार फिशेज आती हैं, ब्रिस्टल स्टार, सी क्यूकम्बर, ये बहुत स्लो मूविंग है और इनको ये अट्रैक्ट करती हैं। उसके अलावा जो जॉइंट एनिमल्स स्ट्रेंज क्रिएचर्स वो भी बहुत ज़्यादा डीप सी में कॉमन होती हैं। जब आप डीप सी में, अक्सर आपने सुना होगा मॉन्स्टर्स के बारे में कि सी में मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं, अक्सर आपने सुना होगा, ठीक है। तो वो जो डीप सी में कुछ स्ट्रेंज क्रिएचर्स होती हैं ना, अजीबो गरीब किस्म के जानवर पाए जाते हैं, क्रिएचर्स होती हैं, उनको हम मॉन्स्टर्स बोलते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स होती हैं। मैनी मिथ ऑफ मॉन्स्टर्स मस्ट बी बेस्ड ऑन साइटिंग ऑफ स्क्विड, अब जैसे कि शार्क्स आर आल्सो सीन एज अ मॉन्स्टर एंड अग्रेसिव एनिमल, शार्क बहुत अग्रेसिव एनिमल है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, अक्सर जो है आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट्रीज में, बहुत जो रिसर्च करते हैं इन पे वो बहुत ज़्यादा इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। उसके अलावा जाइंट आइसोपोड भी इसकी एग्जाम्पल है। तो इस प्रोसेस, इस फिनोमेना को जाइजेंटिज्म बोलते हैं कि उनकी इनॉर्मस अजीबो गरीब शिकल है, ये एक उनकी अडेप्टेशन है यूनिक, कि बॉडी का लार्ज इनॉर्मस साइज होता है। अब यहाँ पे कुछ फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं जो डीप सी लाइफ में हम देखते हैं। एक तो एबायोटिक है, एबायोटिक आपको पता है नॉन लिविंग वंस होते हैं। अब यहाँ पे लाइट प्रेशर करंट टेम्परेचर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स वो सब इसमें आते हैं, देर आर दी नॉन लिविंग। उसके बाद बायोटिक की बात करते हैं, बायोटिक में लिविंग की हम बात करते हैं जिसमें फूड आती हैं, कंपिटिटर्स आते हैं, सिम्बियंट्स, प्रीडेटर्स, दे आर आल्सो दी लिविंग वंस। अब आगे यहाँ पर कुछ और करेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि लाइट की अगर हम बात कर लेते हैं, हम सबसे पहले लाइट को डिस्कस करते हैं कि डीप सी जो है बिगिंस बिलो अबाउट 200। जब लाइट की बात करते हैं तो लाइट उसके 100 to 200 हमने बात की, वहाँ तक लाइट पहुँचती है। उसके अलावा अगर हम 1000 से अबव देखें तो वहाँ पर लाइट नहीं पहुँचती। डीपेस्ट ओशन बिलो 1000 मीटर आर इज़ ब्लैक एज नाइट। उसके बाद बिलो अगर हम 1000 से नीचे देखें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे लाइट नहीं है। अब यहाँ पे बायोल्यूमिनेसेंस की हमने बात की थी कि एक केमिकल रिएक्शन है एक माइक्रोब में एनिमल्स में कि वो उनकी बॉडी जो है वो लाइट को प्रोड्यूस करती है विदाउट हीट, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। उसके अलावा मेसोपेलैजिक जोन नीड्स स्पेशल सेंसरी अडेप्टेशंस। अब बायोल्यूमिनेसेंस के भी बहुत ज़्यादा 6 फंक्शंस हैं यहाँ पर जो लिखे हुए हैं, 6 फंक्शंस हैं। अब उसके बाद मेसोपेलैजिक जोन जो है इनमें कुछ सेंसरी अडेप्टेशंस होती हैं, जैसे कि अगर हम स्टाउट ब्लैक स्मिट में देखें तो इनकी बहुत बड़ी आइज़ होती हैं जो कि लिटिल लाइट होती है उसको भी ये कैप्चर कर लेती हैं, इनकी आइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज होती हैं। उसके अलावा कुछ और एनिमल्स हैं जैसे कि ट्राइपॉड फिशेज है, ये एसेंशियली ब्लाइंड होती हैं, लेकिन इनमें जो सेंसेस होती हैं वो स्मेल, टच, वाइब्रेशन, ये सारी सेंसेस इनमें पाई जाती हैं। उसके अलावा इसमें फोटोफोर्ड्स, लेंटर्न फिशेज़ के बारे में भी बताया हुआ है कि बायोल्यूमिनेसेंस हैज 6 डिफरेंट फंक्शन, जैसे कि हम हेडलाइट्स की बात करते हैं, फॉरवर्ड फेसिंग लाइट ऑर्गन्स की बात करते हैं जैसे कि फोटोफोर्ड्स, सोशल सिग्नल्स की बात करते हैं जैसे यूनिक लाइट पैटर्न है, उनकी वजह से ये अट्रैक्ट करती हैं। फिशेज़ में डिफरेंट कलर्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, और वो सब जो है वो मेट को अट्रैक्ट करती हैं, मेल फीमेल को अट्रैक्ट करती है, फीमेल मेल को अट्रैक्ट करती हैं। उसके अलावा इनमें जो है एक और इनमें होती है अट्रैक्ट करने की, जिसे डेंगलिंग बोला जाता है, फिशिंग लोर्स बोला जाता है, और ये एंगुलर फिश में देखी गई है, ठीक है।
उसके अलावा इसमें अगर हम कलर की बात करें तो ब्लू और जो ब्लू ग्रीन कलर है वो बहुत ज़्यादा पानी में ट्रैवल करता है, ठीक है। तो ये आपसे बात एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है, तो वो कौन से कलर है जो पानी में बहुत जल्दी ट्रैवल करते हैं, फास्ट ट्रैवलर इन वाटर हैं, दैट इज़ द ब्लू और ब्लू ग्रीन कलर। मोस्ट एनिमल्स लोज द अबिलिटी टू सी रेड लाइट, कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो कि रेड लाइट को नहीं देख सकते, लेकिन इसमें ड्रैगन फ्लाई एक ड्रैगन फिश जो है वो एक एग्जाम्पल है जो कि प्रोड्यूस करती है रेड लाइट को। उसके अलावा जो ये ड्रैगन फ्लाई है ये रेड लाइट को देख भी सकती है, एंड दिस क्रिएट्स स्नीपर लाइट टू शाइन ऑन अ प्रे, दे डिड नॉट इवन नो दे आर बींग लाइटर, ठीक है। वो अपने प्रीडेटर जो है कोई भी उसका है प्रे है उसको भी लाइट अप कर देती है और उसको भी नहीं पता होता कि क्या हो रहा है उसके साथ। अब हम बात करते हैं प्रेशर की। अब प्रेशर में हम देखते हैं कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि सी लाइफ को इफेक्ट करता है। अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ की बात करें तो प्रेशर इंक्रीज़ 1 atmospheric टू ईच 10 meter इन डेप्थ। हाई प्रेशर का अब क्या काम है, हाई प्रेशर जो है ये एयर पॉकेट्स को काज करता है फिश स्विम ब्लैडर में, और ये क्या होता है कि जब ये हाई प्रेशर जो है ये एयर पॉकेट्स में फिश स्विम ब्लैडर के काज कर देता है, लेकिन ये उसको इतनी जल्दी कंप्रेस नहीं कर सकता वाटर को। हाई प्रेशर डिस्टॉर्ट कम्प्लेक्स बायो मालिक्यूल। अब हाई प्रेशर जो है ये जो कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स हैं उनको ये तोड़ सकता है, जैसे कि मेम्ब्रेन्स हैं, प्रोटीन्स वगैरह, उनको ये डिस्टॉर्ट कर सकता है। फर्स्ट, अब यहाँ पे जो हम बायो मालिक्यूल्स की बात करते हैं कि प्रेशर उनको दो तरीके से इफ़ेक्ट करता है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हम बात करते हैं कि देयर मेम्ब्रेन्स एंड प्रोटीन्स हैव प्रेशर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये प्रेशर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, बायो मालिक्यूल्स डू नॉट वर्क वेल अंडर लो प्रेशर। तो ये जो बायो मालिक्यूल्स हैं ये लो प्रेशर पर इतनी जल्दी काम नहीं करते। सेकेंड, हम देखते हैं कि मोर ऑर्गेनिज्म में यूज़ पायजोलाइट्स। अब कुछ ऑर्गेनिज्म पायजोलाइट्स को यूज़ करते हैं। अब पायजोलाइट्स क्या है, पायजोलाइट्स एक स्मॉल ऑर्गेनिक मालिक्यूल है जो कि बायो मालिक्यूल को डिस्टॉर्ट होने से प्रिवेंट करता है, बचाता है। अब जो पायजोलाइट है वो क्या है, वन ऑफ दिस पायजोलाइट इज़ TMAO। TMAO किसका एब्रीवेशन है, ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड का। और ये क्या काम करते हैं जो TMAO, ये TMAO, ठीक है, TMAO क्या काम करता है कि इट गिव राइज फ्लैश फिश स्मेल टू मेरीन फिश एंड शिप। अब ये एक बिल्कुल ऐसी स्मेल प्रोड्यूस करता है जैसे फिश में से स्मेल आ रही होती है ना, बिल्कुल ये वैसे ही जो है क्या करता है, प्रोड्यूस करता है स्मेल। उसके बाद ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो इसमें थे। अब हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर में क्या है कि द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन यूफोर्टिक सनलेट जोन नियर द सर्फेस एंड द डीप सी कैन बी ड्रामेटिक बिकॉज ऑफ द थर्मोक्लाइन। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, क्योंकि टेम्परेचर की हमने बात की थी कि हर जोन में उसका टेम्परेचर डिफरेंट है, ठीक है। तो वो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि वो किसकी वजह से, वो थर्मोक्लाइन की वजह से। वो थर्मोक्लाइन क्या चीज़ है, थर्मोक्लाइन हम कहते हैं कि ये प्रिवेंट करता है कि सेपरेशन ऑफ वाटर लेयर ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर, कि एक लेयर का दूसरी लेयर के साथ टेम्परेचर ना मिक्स हो जाए ना मर्ज अप हो जाए। तो इसको जो है, इस टेम्परेचर को जो चीज़ प्रिवेंट करती है उसको हम थर्मोक्लाइन जो है वो बोल रहे होते हैं। अब जो डीप सी टेम्परेचर है वो तकरीबन रिमेंस बिटवीन -1 to about -4 degrees centigrade। तो डीप सी टेम्परेचर तकरीबन इतना है। उसके अलावा जो पानी है, जो डीप सी में पानी है वो फ्रीज नहीं होता, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड हो तो नीचे जो पानी है वो इतना ज़्यादा फ्रीज नहीं होता। लाइफ इन द सी अडैप्ट टू दिस इंडेस कोल्ड इन द सेम वे डैट शैलो मेरीन लाइफ डज इन दी पोलर सीज। अब जो लाइफ है बिल्कुल सी में वैसे ही वो ठंड को बर्दाश्त करती है जैसे हम उसको शैलो में देखते हैं, पोलर सीज में देखते हैं, तो यहाँ पर भी बिल्कुल उसको वैसे ही वो लाइट जो है वो बर्दाश्त करती है। अब यहाँ पे कुछ जो है वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का भी जिक्र है। अब जैसे हम देख लेते हैं कि बटर को अगर हम देखते हैं, मक्खन वगैरह जब हम फ्रिज में रखते हैं तो उस पर एक फैट की लेयर आ जाती है कुछ, ठीक है, और वो बिल्कुल पिघलता नहीं है, कोल्ड में वो बिल्कुल ठीक रहता है। अब ऐसे ही जैसे ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड है, ठीक है, बटर जो है वो एक सैचुरेटेड फैट है, ऑलिव ऑयल जो है वो एक अनसैचुरेटेड फैट है, ये सेमी सॉलिड है और ये इसमें एक गुड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। उसके अलावा जो है अगर हम इसको जो है ऑलिव ऑयल को देखें, इसको रूम टेम्परेचर में रखें तो इट बिकम कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड, ठीक है, ऑलिव ऑयल जो है वो लिक्विड में होता है रूम टेम्परेचर में, ठीक है। तो ये सारी जो है अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड जो है ये भी जो है ये चीज़ें ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं कि अगर कोई सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, सेमी सॉलिड है, सॉलिड है,
तो ये किस तरह जो है ये कोल्ड पे असर करती है, तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड अगर आप सोचेंगे कि इसका यहाँ पर क्यों जिक्र आया है टेम्परेचर में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। रूम टेम्परेचर की हमने इसमें बात की कि रूम टेम्परेचर पर अगर हम उसे रखेंगे तो इट कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड, अगर हम उसे रूम टेम्परेचर पर नहीं रखेंगे कोल्ड टेम्परेचर होगा तो उस पर एक फैट की मेम्ब्रेन आ जाती है, जैसे कि हम बटर पर देखते हैं, अगर हम उसको रेफ्रिजरेटर पर रखते हैं तो बिल्कुल फ्रेश रहता है, उस पर बिल्कुल हमें फैट जैसी एक मेम्ब्रेन नज़र आती है। अब यहाँ पे हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन में क्या होता है कि द डार्क कोल्ड वाटर ऑफ डीप सी हैव एडिक्वेट ऑक्सीजन बिकॉज कोल्ड वाटर कैन डिजॉल्व मोर ऑक्सीजन। अब जो कोल्ड वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को डिजॉल्व कर लेता है। अब इसमें थर्मोहेलाइन करंट के बारे में बताया हुआ, थर्मोहेलाइन करंट क्या होता है कि ये जो वाटर होता है ना ओशन में, जो वाटर होता है उसको मिक्सअप करने का काम करता है, मिक्सिस वाटर ऑफ द ओशन। अब क्या होता है, कैन ट्रैवल एट डेप्थ अराउंड द ग्लोब एंड ऑक्सीजन रिमेन्स सफिशिएंट फॉर लाइफ बिकॉज देयर इज़ नॉट इनफ बायोमास। ठीक है, अब यहाँ पे जो थर्मोहेलाइन करंट है ये उसके अगर डेप्थ में हम बात करें वहाँ पर जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन सफिशिएंट होती है लाइफ के लिए, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा बायोमास नहीं होगा। अगर जितना ज़्यादा बायोमास होगा उतनी ऑक्सीजन कम होगी, इनसफिशिएंट होगी। अब कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पर हम कहते हैं, एरियाज़ तो नहीं बल्कि सी में कुछ ऐसे जोन्स हैं हम कहते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम होती है, इंटरमीडिएट जोन में वहाँ पर ऑक्सीजन कम होती है, फोटोसिंथेसिस कम होगी और वहाँ पर फिर थर्मोहेलाइन करंट भी कम होगा, और इन एरियाज़ को हम कहते हैं कि ये ऑक्सीजन मिनिमम जोन्स कहलाते हैं। और ये कितनी डेप्थ पे होते हैं, तकरीबन 500 से 1000 मीटर की डेप्थ होगी, और ये कौन से रीजन्स हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स। अब यहाँ पर कुछ एनिमल्स भी पाए जाते हैं जैसे कि बैक्टीरिया जो कि फीड करते हैं डिकेइंग फूड पार्टिकल्स को, उसके अलावा ये ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं थ्रू अ वाटर कॉलम। ऑल द मोस्ट ऑफ द डीप सी फ्लोर हैज़ ऑक्सीजन, देर आर एक्सेप्शंस इन आइसोलेटेड बेसिन विद नो सर्कुलेशन। उसके अलावा कुछ और अगर हम डीप सी फ्लोर की बात करें तो वहाँ पर ऑक्सीजन होती है, वहाँ पर हम बेसिन की भी बात करते हैं तो, लेकिन वहाँ पर जो है बेसिन हम कहते हैं बेसिकली, बेसिन जो है एक डिप्रेशन होता है, एक लिड होती है अर्थ सर्फेस पर, बिल्कुल आप कह लेंगे जैसे एक ज़मीन है वहाँ पर अगर आप उसको कुछ अंदर से जैसे धंसी हुई चीज़ है तो डिप्रेशन आ जाए, उसको हम बेसिन बोल रहे हैं। एक कर्वी एरिया आ जाए, एक कर्व आ जाए, एक डिप्रेशन आ जाए, तो वो चीज़ बेसिन कहलाती है, वहाँ पे सर्कुलेशन नहीं होती। सम ऑफ दिस बेसिन हैव नो ऑक्सीजन, कुछ ऐसे बेसिन है जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती, जैसे कि हम कहते हैं दे आर फाउंड एट मेडिटेरेनियन सी। अब 2010 में कुछ साइंटिस्ट ने जो है 3000 मीटर डेप्थ तक कुछ डिस्कवरी स्टार्ट की। अब एक फर्स्ट नोन एनिमल हम कह लें, फर्स्ट नोन एनिमल टू बी लिविंग कंटिन्यूअली विदाउट एनी ऑक्सीजन। अब एक फर्स्ट एनिमल जो विदाउट एनी ऑक्सीजन इन्होंने देखा, द एनिमल्स आर टाइनी लोरिसिफेरेंस। ठीक है, अब एक एनिमल था, ठीक है, टाइनी, दैट इज़ टाइनी, टाइनी लोरिसिफेरेंस था, ठीक है, और ये कहाँ पर डिस्कवर हुआ था, वो कब डिस्कवर हुआ था, 1983 में, और इसका नाम क्या था, वो लोरिसिफेरेंस, और ये बहुत छोटा दिखाई देने वाला एनिमल था, एंड दे लिव विदाउट एनी ऑक्सीजन। अब यहाँ पे कुछ और अडेप्टेशंस का हम जिक्र कर लेते हैं दोबारा से, उसकी रिप्रोडक्शन, उसकी जर्जेंटिज्म और उसके बॉडी कलर की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके अलावा इसमें उसकी बॉडी कलर रिप्रोडक्शन में भी हम बात करते हैं, उससे पहले कुछ जो है चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ जो यहाँ पर मैंने स्लाइड में मेंशन नहीं की, लेकिन उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ डिकेइंग रिमेन्स होते हैं जैसे कि माइक्रोब्स, एल्जी, प्लांट्स, एनिमल्स, जैसे कि अपर जोन में हम कहते हैं, उसके अलावा डीप में डेप्थ में हम देख लेते हैं। ठीक है, अब सिक्वेंजर्स भी पाए जाते हैं सी फ्लोर्स में, डेट्रिटस, ब्रिटल स्टार व्हेल्स, ये सारे यहाँ पर पाए जाते हैं एनिमल्स, ग्लपर, ईगल, ईल्स, ये सब नोट्स में जो है ये पूरा ये डिटेल में लिखा हुआ है, श्रिम्प जालीज वगैरह, इनमें वर्टिकल माइग्रेशंस वगैरह होती हैं, कि स्पेशल बिहेवियर है वर्टिकल माइग्रेशन का। ठीक है, उसके अलावा कुछ प्लैंकटन्स भी पाए जाते हैं जो कि फ़िल्टर फीडिंग का काम करते हैं, सी स्क्विरिड्स मौजूद है, स्पॉन्जेस मौजूद हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ भी ली हैं। तो अब लास्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं कि अदर अडेप्टेशंस क्या हैं डीप सी एनिमल्स की। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया हुआ कि कुछ अडेप्टेशन है जो डीप सी एनिमल्स हैं एनिमल्स में होती है, सबसे पहले उसका बॉडी कलर है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं डीप सी एनिमल्स में कि जो ख़ुद को छुपा लेते हैं, इस तरह वो प्रीडेटर से बच सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट होती है, जिसमें जेलीज और स्क्विड आते हैं, ब्लैक, जैसे कि ब्लैक स्मेल्ट फिश आती है,
उसके अलावा कुछ ऐसे बॉडीज़ हैं जैसे रेड, इवन रेड भी होती है, जैसे कि श्रिम्स और स्क्विड वगैरह हैं। उसके बाद द एब्सेंस ऑफ रेड लाइट एट दीज डेप्थ कीप देम कंसील्ड फ्रॉम बोथ प्रीडेटर एंड प्रे। अब जैसे कि रेड लाइट की अगर एब्सेंस हो, डेप्थ में रेड लाइट ना हो, तो इस तरह ये अब दोनों प्रीडेटर और प्रे से बच सकती है। अब कुछ ऐसी मीज़ोपेलेजिक फ़िशेज होती हैं, अब मीज़ोपेलेजिक फ़िशेज में हमारे पास हैचेट फिश आती है, हैव स्लाइवरी साइड्स डैट रिफ्लेक्ट द फेंट सन लाइट मेकिंग दम हार्ड टू सी। तो ये रिफ्लेक्ट करती है सन लाइट को, ठीक है, तो हैच फिश जो है ये सन लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। अब अगर इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें, तो रिप्रोडक्शन में कंसीडर हो हार्ड इट वॉज टू बी फाइंड अ मेट इन द वास्ट डार्क डेप्थ। अब इतने अंधेरे में, डार्क डेप्थ में, इतना वसी एरिया है, वहाँ पर एक मेट को फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये क्या होता है कि यूनिक लाइट पैटर्न्स होते हैं, उन यूनिक लाइट पैटर्न्स की वजह से ये अपने मेट को जो है वो अट्रैक्ट करती है। डीप सी एंगुलर फिश की अगर बात करें तो ये लाइट पैटर्न्स को इस्तेमाल करती है, उसके अलावा मोटिव सेंट्स जैसे खुशबू होती है उसको इस्तेमाल करके ये अपने मेट को फाइंड कर लेती है, ठीक है। उसके अलावा मेल्स आर टाइनी इन कंपैरिजन टू फीमेल्स एंड अट्रैक्ट देमसेल्व्स टू देयर मेट यूजिंग हुक्ड टीथ। अब इनके जो मेल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर फीमेल्स, वो इस तरह अपने मेल को अट्रैक्ट करते हैं कि उनमें हुक्ड टीथ मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ब्लड वेसल है मेल की मर्ज विद द फीमेल सो डैट दे रिसीव नरिशमेंट फ्राम हर। तो जो मेल की ब्लड वेसल हैं वो फीमेल्स जो हैं उनके साथ मर्ज हो जाती हैं, इस तरह वो वहाँ से अपनी नरिशमेंट, अपनी न्यूट्रिएंट्स के लिए, जो भी अपनी ग्रोथ के लिए जो है वहाँ से रिसीव कर लेते हैं। इन एक्सचेंज द फीमेल इज़ प्रोवाइडेड विद अ वेरी रिलायबल स्पर्म सोर्स, अवॉइडिंग द प्रॉब्लम ऑफ हैविंग टू लोकेट अ न्यू मेट एवरी ब्रीडिंग साइकिल, ठीक है। उसके अलावा इसकी वजह से क्या होता है कि ये फीमेल जो है इसको इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होती हर ब्रीडिंग साइकिल में कि वो एक न्यू मेट जो है वो करे, तलाश करे। तो उसके अलावा आगे हमने जायजेंटिज्म की बात करनी है। जायजेंटिज्म तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जायजेंटिज्म एक पॉसिबल अडेप्टेशन है एक डीप सी जायजेंटिज्म में, अंडरस्टूड है, नॉट फुली अंडरस्टूड, कि यहाँ पर ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनका ट्रूली इनॉर्मस इन साइज़ है, बहुत ज़्यादा इनॉर्मस साइज़ है। जैसे हमने मॉन्स्टर की बात की, अगर इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो वो जाइंट स्क्विड है। अब यहाँ पे क्लोसल स्क्विड पाए जाते हैं, जाइंट आइसोपोड पाए जाते हैं। अगर हम रिसेंटली कैप्चर, अब यहाँ पे जो कुछ सी में जिन्होंने देखा, जो सी सर्पेंट लेजेंड्स की अगर हम बात करें, तो उन्होंने जो रिसेंटली जो जाइंट एम्फीपोड का जो साइज़ जो हम कह रहे हैं कैप्चर किया वो तकरीबन 7,000 मीटर था, ठीक है। कहाँ पर कैप्चर किया था? नियर न्यूजीलैंड, ठीक है। यहाँ पर कर्मिडेक ट्रेंच नियर न्यूजीलैंड वाइल द जॉइंट ट्यूब फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोथर्मल वेंट, ठीक है, आल्सो डिस्कवर्ड, ठीक है। तो वाइल द जॉइंट ट्यूब फॉर्म ऑफ हाइड्रोथर्मल वेंट वर आल्सो डिस्कवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने हाइड्रोथर्मल वेंट को भी जो है वो स्टडी किया, उसके अलावा जॉइंट एम्फीपोड को भी इन्होंने जो है वो स्टडी किया। तो इस तरह जो है हमारा ये डीप सी एनिमल्स का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो इस पे हमने उसके एनिमल्स, उसके अडेप्टेशंस जो हैं उसको बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, तो इतनी ही आपके लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको जिस तरह जो है पॉइंट्स पे बना के अगर आप लिखेंगे तो ये आप जो है ज़्यादा एक जो है आप कह लें कि अच्छा इंप्रेशन देगा। यहाँ पे जो लाइन है ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। वाइल द जॉइंट ट्यूब फॉर्म ऑफ हाइड्रोथर्मल वेंट, आप इसको छोड़ दें, बस आप न्यूजीलैंड तक कर लें, ठीक है, कि ये 7,000 मीटर का जो है इन्होंने जॉइंट एम्फीपोड जो है ये डिस्कवर किया था। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ना है।